अलविदा 2022। अलविदा कह देना एक रिवाज सा है, मगर जुदा होने वाला कहाँ जुदा होता है। साल 2022 अब अलविदा कहने को है, लेकिन इस साल में बीते कुछ खास लम्हे तावीर बनकर आज हमारे साथ हैं। उनकी एक माला सी पिरोकर हम आपके लिए लेकर आए हैं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर ये विशेष कार्यक्रम अलविदा 2022। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति, और मैं हूँ आपका रेडियो मित्र आशुतोष। विशेष से विशेषतम और फिर अति विशिष्ट हमारे आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में श्रोताओं के लिए आए दिन पूरे वर्ष भर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और प्रसारित भी किए गए, जिसमें आपके मनोरंजन को दुगना करने के लिए फिल्म संगीत से संबंधित नए कार्यक्रमों को जोड़ा गया। वहीं विशेष वर्ग से संबंधित कार्यक्रमों में जानकारी और रुचि बरकरार रहे, इसका भी ख्याल रखा गया। आकाशवाणी से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रस्तुत मन की बात कार्यक्रम श्रोताओं के बीच अति लोकप्रिय रहा। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज हम मन की बात के 96 एपिसोड में साथ जुड़ रहे हैं। मन की बात का अगला एपिसोड वर्ष 2023 का पहला एपिसोड होगा। अतीत का अवलोकन तो हमेशा हमें वर्तमान और भविष्य की तैयारियों की प्रेरणा देता है। 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर आकाशवाणी से प्रसारित कार्यक्रमों में इस पूरे वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव केंद्र में बना रहा। इसमें जहां एक ओर देश भर में विशेष आयोजन होते रहे, वहीं दूसरी ओर हमारा केंद्र भी पीछे नहीं रहा। यहां से भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम हिंदी के साथ ही अन्य भाषाओं जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी और उर्दू में भी प्रसारित हुए। आइए इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी का संस्कृत में काव्य पाठ का एक अंश। भारतवर्षस्य स्वतंत्रताया अमृत महोत्सवावसरे इदं काव्यं जनानां समक्षं प्रस्तूयते। सर्वेभ्यो नमः। काव्यस्य शीर्षकं विद्यते भारतं भ्राजतां सदा। वेद बोधान्वितं धर्म तत्त्वांचितं। वेद बोधान्वितं धर्म तत्त्वांचितं विश्व कल्याण निष्ठं जगद वंदितं। मानवत्वस्य संपोषकं भायुतं जाग्रियात भारतं शांति संस्थापकम्। जाग्रियात भारतं शांति संस्थापकम्। आशुतोष जी। जी कीर्ति जी, नववर्ष की पूर्व संध्या पर जबकि हम ये विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, कैसा हो अगर हम अपने आकाशवाणी केंद्र के उच्च अधिकारीगण की शुभकामनाएं श्रोताओं तक पहुंचाएं? बहुत अच्छा विचार है आपका। तो आइए फिर देर किस बात की, इसी क्रम में आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी वाराणसी के केंद्राध्यक्ष और उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री स्वतंत्र सिंह से श्रोताओं के नाम शुभकामना संदेश। श्रोताओं, वर्ष 2022 बीत जाएगा और आने वाला साल 2023 हम सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद जताता हूं कि आने वाले दिनों में आकाशवाणी वाराणसी से आपको ज्ञान, मनोरंजन और इन्फॉर्मेशन की ढेरों सौगात सुनने को मिलेंगी। एक बार फिर आपको आने वाले साल की शुभकामनाएं देता हूं। श्रोताओं, शुभकामना संदेश तो अभी और भी हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वर्ष हमारे बनारस से कौन कौन से वो महानुभाव हुए जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। ये बहुत ही सम्मान का विषय है काशी के लिए कि इस वर्ष काशी के कुल 6 महानुभावों को भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया। वहीं मैं बताऊं कि सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रति कुलपति व न्याय शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी को भी पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा हुई है। 125 वर्षीय योग गुरु शिवानंद स्वामी, बनारस घराने के ख्यात सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्रा और BHU के मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी के साथ ही जानी मानी कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अच्छा कीर्ति जी, आप जानती हैं जब उस वक्त ये पुरस्कार बांटे गए उस वक्त हमने योग गुरु शिवानंद स्वामी का एक इंटरव्यू भी लिया था, तो क्यों न अपने श्रोताओं को उस इंटरव्यू का एक अंश सुनवाएं। बिल्कुल। माय लाइफ इज वेल रेगुलेटेड एंड वेल डिसिप्लिन एंड नो फ्रूट नो मिल्क एंड फास्टिंग एवरी मंथ। फास्टिंग इज ए मिरेकुलर प्रोसेस by which we can enjoy longest life. Everybody can enjoy longest life if he controls tongue. Well controlled tongue is essential. जितना कंट्रोल करने से लंबा आयु जरूर होगा। लगे हाथ, आइए अब सुन लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी लोक गायिका अजीता श्रीवास्तव के स्वर में कजरी। हर मंगल तिरकोन लागे अजब सजीना रामा, हरे मंगल तिरकोन का मेला लागे अजब सजीना रामा, लागे अजब सजी दोस्तों। इस वर्ष जैसा कि आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से घर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक देशवासी ने अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराकर अपनी एकता और सांस्कृतिक सद्भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर हमने एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था, जिसके अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र वाजपेयी की यह रचना। तिरंगा हमारे देश की शान है, जान है और मान है हमारा। आइए एक गीत मैं तिरंगा पर ही आपको सुना देता हूं। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। अपना तिरंगा हमें जान से प्यारा, अपना लगे तिरंगा है। हमें जान से प्यारा, अपना लगे तिरंगा है। बहुत सुंदर। हमें जान से प्यारा, अपना लगे तिरंगा है। हमें जान से प्यारा अपना लगे तिरंगा है। क्या आजादी के दीवानों का रहा तिरंगा, आजादी के दीवानों का रहा तिरंगा, सुख दुख दोनों बीच झूलता रहा तिरंगा, लाठी गोली उसे मिले फांसी के फंदे, बांध के सिर पर जो भी चलता रहा तिरंगा, बांध के सिर पर जो भी चलता रहा तिरंगा, बस आँखों का तारा अपना लगे तिरंगा है, हमें जान से प्यारा अपना लगे तिरंगा है। बहुत जन्म जन्म का साथी अपना रहा तिरंगा, जन्म जन्म का साथी अपना रहा तिरंगा, हरे भरे स्वातंत्र समर का रहा तिरंगा, जिनके हाथों में मशाल थी जलती रहती, जिनके हाथों में मशाल थी जलती रहती, उन लपटों के बीच फहरता रहा तिरंगा, उन लपटों के बीच फहरता रहा तिरंगा, थका नहीं जो हारा, थका नहीं जो हारा, अपना लगे तिरंगा है, हमें जान से प्यारा अपना लगे तिरंगा है। श्रोताओं, शुभकामना संदेशों के क्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं शहर बनारस के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी की शुभकामना, जो कि वर्ष पर्यंत हमारे केंद्र से आपकी सेवा में जुड़े रहे। मैं डॉक्टर अजय तिवारी आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं एवं बाबा भोलेनाथ से ये प्रार्थना करता हूं कि समस्त काशी वासियों एवं पूर्वांचल वासियों का सारी मनोकामना पूरी करें और यह वर्ष निश्चित रूप से सफलता का वर्ष हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा क्योंकि पूरे वर्ष हमारे बनारस के साथ साथ पूरे भारत वर्ष ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसके पहले आप मुझे ये बताइए कि नए साल में आपकी क्या विशेष योजनाएं हैं? कीर्ति जी, बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा है आपने। मतलब आप जानना चाह रही हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो भैया देखिए, मैं तो ठेठ बनारसी आदमी हूँ। कल सुबह की शुरुआत में पहले तो वही जय गंगा मैया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद गर्मा गर्म कचौड़ी जलेबी, आए 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 क्या बात है। लेकिन इस बीच आप एक चीज को भूल रहे हैं। वो क्या? वो क्या? अरे हमारे बनारस की जानी मानी पहचानी चीज मलइयो। हाय हाय हाय, क्या बात किया कीर्ति जी आपने, मुंह से पानी आ गया। अरे गुरु, मलइयो के बिना तो बनारसी का जीवन शुरू नहीं हो सकता। और मलइयो ही क्या, बनारस में तो न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिन पर आप गर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक गर्व करने वाली बात इस साल और भी हुई जब शंघाई सहयोग संगठन ने हमारे बनारस शहर को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के सदस्य देशों ने वर्ष 2022-23 के लिए वाराणसी को इस संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपनी स्वीकार्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित एससीओ के शिखर सम्मेलन में शिरकत की। वाराणसी के हिस्से में यह सफलता आने के बाद उन्होंने एससीओ के सभी सदस्य देशों को इस समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इस गौरव के अवसर पर हमने सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के आचार्य प्रोफेसर राजा राम शुक्ला से बातचीत किया था, जिसका एक संपादित अंश हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे इस पवित्र भूमि को, काशी को, सांस्कृतिक एवं पर्यटन की राजधानी के रूप में 2022 एवं 23 वर्ष के लिए चुना गया है। मैं उस संगठन के समस्त सदस्य राष्ट्रों को एवं राष्ट्राध्यक्षों को साधुवाद देना चाहता हूँ। यह एक अत्यंत प्रासंगिक भी था क्योंकि अनादिकाल से हमारी यह काशी पर्यटन की भूमि रही है। मैं आपको यह अवश्य बताना चाहता हूँ कि पर्यटन का अर्थ केवल सैर सपाटा और मौज मस्ती नहीं है। पौराणिक काल से यहाँ पर्यटन की एक विशेष अवधारणा रही है। आशुतोष जी जी, बातों का सिलसिला तो जारी है और साल 2022 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण अवसर रहे जिन्होंने हमें गर्वित किया, उसकी भी जानकारी हम ले भी रहे हैं और साथ ही साथ श्रोताओं को इसकी जानकारी दे भी रहे हैं। लेकिन इस बीच हम एक चीज को मिस कर रहे हैं। वो क्या? और वो है फिल्मी गीत संगीत। ओह यस, बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पर एक फिल्म संगीत हो जाए। जी बिल्कुल, और आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत। पुष्प की माला थाल सजाओ, गंगा जल भर कलश मिलाओ, नव ज्योति के दीप जलाओ, चरणों में नित शीश झुकाओ। जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भावे, मन मेरा गाए नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या बात है। इस खूबसूरत से गीत के बाद अब बारी है हमारी काशी नगरी के लिए उस गर्वित क्षण को याद करने की, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमारी काशी नगरी को दक्षिण भारतीय कला और संस्कृति से जोड़ती काशी तमिल संगमम के आयोजन का उद्घाटन किया गया, जो अपने आप में वो अद्भुत अनुभव है जिससे हर बनारसवासी पुलकित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, इसे फिर से मजबूत करना और इसकी खोज करना है। इस दौरान 2500 से अधिक प्रतिनिधि जो कि तमिलनाडु से संबंध रखते थे, उन्होंने काशी की यात्रा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा तिरुक्कुरल नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जो कि 13 भाषाओं में अनुवादित थी। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अवलोकन किया और आरती भी देखी। आइए आपको उस कार्यक्रम के संपादित अंश सुनवाते हैं। वणक्कम काशी, वडक्कम तमिलनाडु। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। हमारे बनारस की कला और संस्कृति आशुतोष जी अद्वितीय तो है, तभी तो विश्व पटल पर जब G20 की अध्यक्षता हमारे भारत देश को मिली तो इसके सम्मान में चार चांद लगाने का श्रेय हमारे शहर बनारस को भी मिला, जिसके तहत G20 समूह की विभिन्न बैठकें आगामी वर्ष में बनारस में आयोजित होने जा रही हैं। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जी हाँ कीर्ति जी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 16 नवंबर सन 2022 को G20 की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी। इसके बाद 1 दिसंबर 2022 को भारत औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बन गया। वाराणसी के इस बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए भविष्य में यहां आने वाले पर्यटकों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए गंगा उस पार भव्य टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत 100 हेक्टेयर में बसाई जा रही है अनूठी टेंट सिटी। इसमें 3 श्रेणियों में 600 कॉटेज बनाए जा रहे हैं। इनमें 10% विला, 50% सुपर डिलक्स और 50% डिलक्स हैं। टेंट सिटी की थीमेटिक सजावट की जा रही है। रिसेप्शन एरिया, गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस स्थल, स्पा और योगा केंद्र, लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी भी बनाई जा रही है। और मैं बता दूं, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स, कैमल हॉर्स राइडिंग, इन सभी के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। तो है ना ये बनारस के लिए एक और गर्व करने का अवसर। अपना कॉलर ऊंचा कर लीजिए। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बनारसिया, हाय बनारसिया, बनारसिया, हाय बनारसिया, रंग में भंगिया, भंग में बनारसिया, हाय बनारसिया, संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, हाय बनारसिया, हाय हाय बनारसिया, हाय बनारसिया, आ बनारसिया। चाल चला की हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी, चाल चला की हर होशियारी जानत यूं तो सब नर नारी, मन के पर भोले भंडारी, मन के पर भोले भंडारी, घाट किनारे उम्र गुजारी, घाट बनारसिया, हाय घाट बनारसिया, घाट बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठों में ठाठ बनारसिया, ठाठ बनारसिया, हाय हाय ठाठ बनारसिया, रंग में भंगिया, भंग में रंग बनारसिया, हाय बनारसिया, संग में जंगिया, जंग में संग बनारसिया, बनारसिया। श्रोताओं, शुभकामना संदेशों के क्रम में आइए आपको सुनवाते हैं IMS BHU के मनोचिकित्सक खुशहाली गुरु प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता की ये शुभकामना, जो कि पूरे वर्ष हमारे आकाशवाणी केंद्र के साथ जुड़े रहे। आकाशवाणी विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष के लिए। नववर्ष में आपका तन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, आप खुशहाल रहें और आप अपने परिवारजनों के साथ ढेरों खुशियां पाएं, यही मेरी मंगल कामना। तो आशुतोष जी, अच्छी बुरी यादों के साथ ये साल 2022 खत्म होने जा रहा है और अब नया साल 2023 नई आशाओं के साथ में शुरू भी होने जा रहा है। लेकिन अगर इस बीते हुए साल पर एक नजर डालें तो आपको जीवन में साल भर हुई उन घटनाओं की याद आएगी जिन्होंने आपके जीवन पर कुछ प्रभाव डाला। कई लोगों का जीवन इस एक साल में बदला। किसी को नौकरी मिली तो किसी की शादी हो गई, किसी ने अपने करीबी को खोया तो किसी ने अपने सपनों को पा लिया। इस बात का आकलन तो आपको ही करना है कि बीता हुआ साल कैसा रहा। लेकिन एक बात ये भी है आशुतोष जी कि वर्ष 2022 के पन्नों को पलट कर देखें तो कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास बनकर रह जाएंगी। इस साल कई हस्तियों ने भी हमें अलविदा कह दिया और अलविदा कहने वाली इन हस्तियों में जो पहला नाम आता है वह है पंडित बिरजू महाराज का। नया वर्ष शुरू होते ही 17 जनवरी को महाराज जी हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा के पास चले गए जहाँ पर एक न एक दिन सबको जाना होता है। शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने से संबद्ध पंडित बिरजू महाराज इस नृत्य कला के पर्याय थे। आपने कथक नृत्य में नए आयाम, नृत्य नाटिकाओं को जोड़कर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आपने कथक के लिए कलाश्रम की स्थापना की। आपको आपके किए गए कार्यों के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कालिदास सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। जागे हो कहीं रे, जागे हो कहीं रे, अरे हाँ जागे हो कहीं रे, अरे हाँ जागे हो कहीं रे, अरे हाँ जागे हो कहीं रे, जागे हो कहीं रे, अरे हाँ जागे हो कहीं रे। इस बार का बसंत तो आया, मधुमास भी आया, लेकिन उसमें चहकने वाली कोकिला के स्वर हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गए, लता दी नहीं रही। बसंत पंचमी पर सरस्वती माँ की ये मानस पुत्री अपनी माँ में समाहित हो गई। आलाप अपना स्वर खो बैठे, सुर बेहोशी के आहोश में चले गए, सरगम गम में डूब गए, क्योंकि संगीत के परिवार की मुखिया ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लीं। आकाशवाणी परिवार स्वर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसी क्रम में हम बात करें 10 मई 2022 की तो संतूर के पर्याय पंडित शिव कुमार शर्मा का परलोक गमन संतूर के मेरू के टूटने जैसा रहा। भारतीय शास्त्रीय संगीत को संतूर पर बजाने वाले वे पहले संगीतज्ञ थे। आपने शिवहरि उपनाम से बांसुरी के पर्याय पंडित हरि प्रसाद चौरसिया के साथ मिलकर फासले, चांदनी, लम्हे और डर जैसी फिल्मों का संगीत दिया था। संगीत जगत को आपके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अलंकारों से अलंकृत किया था। इसी क्रम में बात करें संगीत के सुनहरे संगीतकार बप्पी दा की तो वो भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। तेरा प्यार। साथ ही साथ अपनी गायकी से युवाओं के दिल पर राज करने वाले केके भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। केके जिनका पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था, उनका जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने भारतीय भाषाओं में 3500 से भी अधिक जिंगल गाए हैं। इनके गाए हिट गीतों वाली फिल्मों में बजरंगी भाईजान, काइट्स, ओम शांति ओम, एक था टाइगर और भूल भुलैया प्रमुख हैं। चुपके से कहीं धीमे पांव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। जिनके दरमिया गुजरी थी अभी कल तक ये मेरी जिंदगी, लोन बाहों को ठंडी छाओं को हम भी कर चले अलविदा। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा। अलविदा अपने चुटकुलों से लोगों के पेट में बल कर देने वाले सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का जाना बेहद विस्मयकारी रहा। आप 58 वर्ष की आयु में हंसते हंसाते हुए इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। आम आदमी के रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं को व्यंग्य के रूप में सुनाकर आप सबका मनोरंजन करते रहे। आपका जाना हास्य व्यंग्य परंपरा की अपूरणीय क्षति है। देखिए, अभी आपको ले चलते हैं कि स्टूडियो जहाँ एक नई फिल्म बनने वाली और आज उस फिल्म का इंटरव्यू होने वाला है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कहना है कि भाई शोले बहुत ही मशहूर और हिट फिल्म है, उस फिल्म का डायलॉग जो सबसे अच्छा बोलेगा वो ही इनकी नई फिल्म का हीरो होगा। तो बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं हीरो बनने के लिए, गब्बर सिंह का रोल करने के लिए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मौजूद हैं, हर एक को डायलॉग दिया जा रहा है शोले का, वो सब एक एक अपने अपने स्टाइल में बोल रहे हैं किस तरह से। आइए चले उसी स्टूडियो। कमाल करते हैं आप। कालिया कालिया, मैं तुमसे पूछता कितने आदमी थे? अरे जब वो तो तुम तीन। कमाल है, वापस आ गए, वो भी खाली हाथ। क्या समझ के आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाश देगा। धिक्कार है सरदार, हमने आपका नमक खाया। कमाल करते हैं आप, आपको खाने के लिए और कुछ नहीं मिला। खाने के लिए बहुत सी चीजें हैं, रसगुल्ला, पेड़, बर्फ, पता नहीं कितनी चीजें हैं, लेकिन आपने हमारा नमक खाया है। धिक्कार है आप। कमाल करते हैं। श्रोताओं, हमारे केंद्र आकाशवाणी वाराणसी से इस वर्ष 2022 में कुछ नए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिसमें मधुरिमा, कुछ बातें कुछ गीत, एक ही कलाकार एक ही फिल्म से और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस प्रमुख रहे। गुड मॉर्निंग बनारस। इसके साथ ही साथ आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे केंद्र से निरंतर प्रसारित होने वाले और श्रोताओं के द्वारा बहुत प्रशंसित कार्यक्रमों की झलक। इस क्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका की एक झलक। आप देखेंगे जैसे अभी भारत ने काफी करीब 7 मिशंस अभी प्लान किए हुए और 2022 तो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है। 22-23 में महत्वपूर्ण भारत मिशन चलेगा, जिसमें कि भारत के सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोग्राम है चंद्रयान 3। उनका ये प्रेस्टीज मिशन है चंद्रयान 3, जिसमें कि इसकी प्लानिंग है अगस्त 2022 में प्रस्तावित है, जिसमें कि सॉफ्ट लैंडिंग, आपने कहानी सुना होगा किस तरह से हार्ड लैंडिंग हो गई थी, तो सॉफ्ट लैंडिंग टेस्टिंग हो रही है। और ये चंद्रयान मिशन जो है अगस्त में शुरू होगा, जिसमें कि एक लैंडर भी होगा, एक रोवर रोबोटिक मिशन भी होगा। तो ये मिशन बहुत ही है। इसके बाद आदित्य मिशन, सूर्य को छूने की चाहत जो हमेशा रहती है भारत में, हमेशा सूर्य को हम लोग देवता भी मानते हैं, जिसमें कि आदित्य L1 मिशन एक अगला मिशन है, जिसका कि सितंबर या अक्टूबर के बीच में प्रस्तावित है। और सूर्य का सतह की जानकारी, सूर्य आने वाले जो सोलर फ्लेयर और सोलर ऑब्जर्वेशन होते हैं उसको करने के आदित्य मिशन है। और इसके बाद जो है भारत सोचता है कि हम जब मंगल पे चले गए तो भारत का दूसरा सिस्टर प्लेनेट कौन है, तो शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह का भी भारत प्लान बना रहा और शुक्रयान भारत में प्रस्तावित है, जो कि 2024 में प्रस्तावित है। श्रोताओं, जैसा कि यह केंद्र काशी की साहित्यिक परंपराओं का भी प्रतीक है, तो यहाँ से हिंदी कार्यक्रम भी अपनी पूरी गरिमा के साथ प्रसारित होते रहे हैं, तो हिंदी कार्यक्रम की एक झलक आपको सुनवा रहे हैं, जिसके अंतर्गत लीजिए सुनिए प्रोफेसर निरंजन सहाय की ये वार्ता का एक अंश। साल 2022 बीत रहा है। यादें हसीन भी होती हैं और तकलीफ देह भी। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमारे पहलू से चिपक जाती हैं और कुछ ऐसी भी जिन्हें झटक देने का जी चाहता है। कहते हैं अंधेरे उजाले का जीवन संगम है। बीते साल की भी स्याह और उजली तस्वीरें अपने अपने अंदाज में हम सभी के साथ रहीं। भारतीय परंपरा ने स्मृतियों को अपने अंदाज में देखा। साहित्यकारों और मनोवैज्ञानिकों की दुनिया का यह चिर परिचित पहलू है। अपने विशिष्ट अंदाज में स्मृतियां हमारे जीवन को वैभवपूर्ण बनाती हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हमारी यादें हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख हिस्सा है। हम क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं, यह बहुत सारी चीजों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भाषा, दृष्टि, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह स्मृति यानी मेमोरी भी दिमाग की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। हमारे दिमाग में जो कुछ भी अनुभव, सूचना और ज्ञान के रूप में इकट्ठा है वह सभी स्मृति के ही विविध रूपों में व्यवस्थित रहता है। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में इस वर्ष क्या कुछ प्रमुख हुआ, इसके भी अंश को आप सुनिए। देखिए, आज हम साथ फेरा बैठे हैं उस जगह पर जहाँ से एक वर्ष की विदाई है तो दूसरे वर्ष का आगमन है। और गृह लक्ष्मी कार्यक्रम जिसने आपकी सखी शीला और शबनम, हम दोनों आपके साथ हैं सखियों। और एक नजर डालेंगे आजादी के अमृत महोत्सव की तमाम वीरांगनाओं को। और इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रम भी पेश किए गए और ऐसे ही एक विशेष कार्यक्रम भी हुआ था, काव्य पाठ डॉक्टर शशि बाला सिंह का। तो वो एक झलक जो है ना अपनी सखियों को सुना देते हैं। कवि कुलगुरु श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी हैं, बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं। अनादिकाल से ही महिलाएं मानवता का प्रेरणा स्रोत रही हैं। प्रस्तुत है एक स्त्री की भावभीनी अभिव्यक्ति। शीर्षक है उगने दो मुझे, उस ऊंची पहाड़ी के पीछे से झांकते सूरज की लाली हूँ मैं। धूप बनकर पसर जाती हूँ पूरी धरती पर। आकाश में तैरता मेरा अक्स बादलों पर किरण बनकर, दरिया में, समंदर में उठती गिरती लहरों पर चमकते पारदर्शी दर्पण जैसी हूँ मैं। गुलमोहर की शाखों से लिपटी चांदनी हूँ मैं। जूही की कोमल सुनहरी कली हूँ। और वो देखो, अपने पीले आंचल में समेट लिया है मैंने सरसों अरहर के खेतों को। वो एकदम किनारे पीपल के पास गुमसुम खड़ी नीम भी मैं ही तो हूँ। पत्ते, फूल, फल, मंजरियां, बौरें, शाखें, तना सब मेरे वजूद से ही पनपते हैं। सबकी जड़ जो हूँ मैं। कीर्ति जी, हमारा केंद्र युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युवाणी प्रसारित करता है जिसे सभी वर्ग के युवा बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्यों ना युवावाणी का भी एक अंश अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम ख्वाहिशों और तमन्नाओं के जाल में इस कदर उलझे होते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। ये तेरा है, ये मेरा है। अगर ये तेरा है तो ये सिर्फ मेरा है। जबकि बेहतर है कि हम आज और अभी वसुधैव कुटुम्बकम का मतलब समझ लें। और इसके लिए है ना अपनी युवावाणी और आपका दोस्त यशराज विक्रम। नमस्कार। आज की बात में हम जानेंगे कि हमने इस बीत रहे वर्ष 2022 में क्या खोया और क्या पाया। 3 जनवरी 2022 को सावित्री बाई फुले को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 1848 में इन्होंने पुणे के भिटेवाड़ा में पहला विद्यालय शुरू किया था। ये देश की पहली महिला शिक्षिका थी। 31 जनवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख GAV रेड्डी को बनाया गया। 6 फरवरी को हमारी भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई। टीम ने अपना 1000वां मैच मोटेरा स्टेडियम में खेला। वर्ष 2022 में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में पूजा जात्यान रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ ICC महिला विश्व कप, जिसकी मेजबानी न्यूजीलैंड ने की। 1 अप्रैल 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्थापना दिवस मनाया। शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं। गुजरात में 5 मई से 7 मई 2022 तक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 21 जून 2022 को रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। टी राजा कुमार ने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कोच्चि पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। 2 से 13 नवंबर तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शारजाह में कराया गया। पहला बायोस्फीयर रिजर्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में भारत द्वारा बांग्लादेश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसी के साथ वाराणसी को हाल ही में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे 2022 के कुछ पल। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय वे भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध में अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। चलिए पलटते हैं अपनी यूथ डायरी और जानते हैं कि हमारा आज का पहला शब्द है विदेह, जिसका अर्थ है सांसारिक बातों से विरक्त। एक संवेदनहीन इंसान विदेह होता है। हमारा दूसरा शब्द है टॉलरेंस, जिसका अर्थ है सहनशीलता। इफ यू वॉन्ट टू गेन एक्सपीरियंस इन लाइफ देन यू हैव टू टॉलरेट पेन। कदम बढ़ाते हैं इतिहास की ओर। 1600 में आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1866 में बिहार के मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण वल्लभ सहाय का जन्म 31 दिसंबर को हुआ। बारी है रोजगार सूचना की। एनटीए ने यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 29 दिसंबर से शुरू हैं। इसकी अंतिम तारीख 17 जनवरी है। बाकी की जानकारी आप www.ugc.net.nta.nic.in से ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। ये एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर से पूरे भारत में लॉन्च किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इससे 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होता है, तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा। दोस्तों, 2022 जाने को है और ये एक समय ही तो है जो हमें बाय बोल रहा, तो क्यों ना हम इस 2022 से प्रेरणा लेते हुए अपनी 2022 की समस्याओं को भी टाटा बाय बाय कर दें। जी बिल्कुल, चलिए यही करते हैं। आने वाले साल का दिल खोल कर स्वागत करते हैं और पिछले साल से अधिक मेहनत करने की शपथ लेते हैं। अब दीजिए इजाजत अपने इस दोस्त यशराज विक्रम को। अब हम मिलेंगे अगले साल। नमस्कार। बच्चों की बारी तो रही गई, तो चलिए बाल संघ कार्यक्रम के कुछ अंशों को भी सुन लेते हैं। हाँ दीदी, हम एक कविता सुनाएंगे। सुनाइए। मेरी प्यारी माँ तू कितनी प्यारी है, जगह अंधियारा तू उजियारी है, शहद से मीठी है तेरी बातें, आशीष तेरा जैसे हो बरसाते, दाग तेरी है मिर्च से तीखी, तुझ बिन जिंदगी है कुछ फीकी, तेरी आंखों में छलकते प्यार के आंसू, अब मैं तुझसे मिलने को भी तरसू, माँ होती है भोली भाली, सबसे सुंदर सबसे प्यारी। शुभकामना संदेशों की श्रृंखला में अब हम आपको एक और शुभकामना संदेश सुनवा रहे हैं मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज खन्ना से, जिन्हें आप पूरे वर्ष केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम में सुनते रहे हैं। हमारे आकाशवाणी श्रोताओं को ये आने वाला नया साल 2023 अच्छी सेहत, सभी प्रकार के सुख समृद्धि लेकर आए। हमारी शारीरिक और मानसिक सारी चिंताएं नए सूरज के साथ, नई रोशनी के साथ, नए उजाले के साथ ये हमारी ज़िंदगी का सारे दुखों का अंधेरा दूर हो जाए, इस कामना के साथ मैं डॉक्टर नीरज खन्ना आपको फिर ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना की आहट हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत परेशानी लाने के बाद हमारी तरफ भी रुख ले रहा है, तो हम जो सुरक्षा के जो मानक हैं, मास्क लगाना, आपस में सुरक्षित दूरी बनाए रखना, अपनी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना, इन बातों को ना भूलें। नई उमंग के साथ हमारे जैसे कैलेंडर की तारीख बदलती है, उसके साथ साथ हमने अपने जीवन में नए संकल्प लेना है, नए उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने आप को तैयार करना है और ये कहते रहना है हमको एक दूसरे के लिए इस नए साल में, तू जहाँ भी रहे हर खुशी हो वहाँ, जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, तू जहाँ भी रहे हर खुशी हो वहाँ। और अब बारी उस महोत्सव की जिसके लिए हमारा बनारस शहर पूरी देश दुनिया में मशहूर है। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं गंगा महोत्सव की। आइए कुछ झलकियाँ उसकी भी सुनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीपदेव नमस्तुभ्यं आरोग्यं सुखदायकं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपदेवो नमोस्तुते। आशुतोष जी देखिए ना, बातें करते करते अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां साल 2022 को अलविदा करने के साथ साथ इस प्रोग्राम को भी अलविदा कहने की बारी आ गई है। तो चलिए चलते चलते हमारे कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर राजेश कुमार गौतम जी अपनी शुभकामनाओं के साथ अपने केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों के बारे में क्या कुछ और जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं, उसे भी सुनते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राजेश कुमार गौतम का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज एक अच्छा मौका है आपसे बात करने का। वैसे अलविदा 2022 कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और इस अलविदा में बहुत सारी चीजें हम अपने रेडियो प्रसारण में कर पाए हैं और बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं, बहुत सारी नवीनताओं से आपको परिचय कराया है। और जब बीज भारती का प्रसारण हमारे केंद्र से बंद हो गया था तो उसी के अनुरूप हमने अपने प्रसारण को चलाने का प्रयास किया। इसी प्रयास में हमारा जो कार्यक्रम आप लोग सुनते हैं उसमें गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा, इसके अलावा और भी जो फिल्मी कार्यक्रम है, फोनिंग कार्यक्रम है या व्हाट्सएप पे आधारित कार्यक्रम है या जो भी फिल्म बेस्ड कार्यक्रम है, उसको आप सीधे सीधे नहीं करते, हम प्रेजेंट करते हैं उसको एक कंपेयरिंग के साथ। एक अनाउंसर हमारे कार्यक्रम को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है। तो हम बहुत सारा प्रयास किए हैं कि हम कोशिश करें कि अपने चहेते श्रोताओं तक पहुंचे, उनके भावनाओं के अनुरूप अपना कार्यक्रम करें और जो नवीन प्रसारण के रूप हो सकते हैं उन सब से आपको परिचित कराएं। जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है कि हम शिक्षा, मनोरंजन और सूचना आप तक पहुंचाएं, हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता को सुझाव भी भेजते हैं, उन सुझाव के अनुरूप भी हम कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से नए वर्ष की बधाई देता हूं और जो कुछ प्रसारण हम कर रहे हैं या जो कुछ आप चाहते हैं या जो कुछ नवीनता लाने का आपका सुझाव है उसको आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे काशी को सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया है। ऐसे में हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संगीत, साहित्य, कला सभी को और पल्लवित और पुष्पित करने का प्रयास करें और हम चाहेंगे कि आपका जीवन भी इसी तरह से पल्लवित और पुष्पित होता रहे। आने वाले वर्ष के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आने वाला समय, आने वाला वर्ष, आने वाला पल आपके लिए हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप लोग हमारे रेडियो प्रसारण को सुने और अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिख करके भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार नववर्ष की बधाई। धन्यवाद। नया साल बनके आए उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, ऊपर वाला रहे मेहरबान आप पर, हमेशा यही है हमारी दुआ, यही हमारी आशा। नए साल की ढेर सारी खुशियाँ हो आपको मुबारक, आप रहें स्वस्थ और सुरक्षित हर पल। इसी शुभकामनाओं के साथ अब आपकी ये रेडियो दोस्त कीर्ति और आपका रेडियो मित्र आशुतोष अब लेते हैं अलविदा। नए साल में नई उमंगों के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। जी फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे, किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भैयारी रे, शक्कर भाको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ श्रोताओं, नववर्ष की पूर्व संध्या पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम अलविदा 2022। कार्यक्रम में वाचन स्वर था कीर्ति विश्वकर्मा का और आशुतोष का। प्रस्तुति थी राजेश कुमार गौतम की। कार्यक्रम का प्रसारण मीडियम वेब के मीटर्स पर FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर किया जा रहा था। आयो रे शुभ दिन आयो रे।